नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान से। राजस्थान का एक ऐसा धाम, हालांकि जब राजस्थान आते हैं तो आपको चमत्कारी धामों से या चमत्कारी मंदिरों से आपको दर्शन करवाते हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। जी हां, आज हम राजस्थान के उस मंदिर पर आए हैं जिस मंदिर का नाम है नकद सिद्ध बनासा। ये वो नाम है जिसके नाम के पीछे सिर्फ और सिर्फ कहानी है, वो चमत्कारों की है। ये वो नाम है जिसके पीछे लोगों की जो गाथाएं हैं वो सांपों से जुड़ी हुई है। यानी शुक्रवार को अगर बात करें, पंचमी को, भादवे की पंचमी को यहाँ पर जो मेला भरा जाता है, विश्व भर से यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं। और आपको एक और चीज बता दे, हैरानी होगी सुनकर कि सातम यानी सप्तमी को जो यहाँ पर मेला भरा जाता है और उसी रात को मेला जो भरा जाता है वो सांपों का होता है। या पूजा सांप करते हैं, प्रार्थना भी सांप करते हैं, ढोलक सांप बजाते हैं, अगरबत्ती भी सांप करते हैं। यकीन नहीं आता होगा आपको, लेकिन यहाँ पर उस दिन कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता, क्योंकि जब उस दिन सांपों का मेला भरा जाता है उस दिन केवल नकद सिद्ध बनासा की सेवा में सांप की नगरी या यूं कहें सांपों का वास होता है। और ये वो चमत्कार का धाम है जिसका नाम सुनने के बाद में जिक्र किया जाता है सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान को या किसी इंसान से जोड़कर देखिए, या वो हजारों गाथाओं में इतिहास को उठाकर देखिए, ऐसे ऐसे चमत्कार आपको मिलेंगे। लोग यहाँ पर दूर दराज से आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि उनकी मन्नत पूरी हो गई। दूसरी, नकद सिद्ध बनासा का एक बड़ा सा बताएं, जिनके पिताजी सेवा करते थे, आज उनकी उम्र 100 से ऊपर हो चुकी है, आज भी वो इस धाम में मौजूद हैं और सेवा कर रहे हैं। हालांकि सेवा कर रहे हैं वो खाट पे सो रहे हैं, इस वक्त वो हमें बात करने के लिए रेडी नहीं रहेंगे क्योंकि उनकी उम्र इतनी हो गई है। लेकिन आज से मैं 15 साल पहले जब मैं आई थी, बहुत छोटी थी, उससे अब तक देखूं उस वक्त भी वो 80 के थे, तो अंदाजा लगाइए आज उनकी उम्र कितनी होगी। आप देखिए भीड़ कितनी यहाँ पर लगातार आ रही है बनासा को यहाँ पर चमत्कार के लिए। मैं कुछ इन लोगों से पूछ लेती हूँ। सर, आप कहाँ से आए हो? हम लोग करीबन इधर से 125 किलोमीटर दूर से आए। 125 किलोमीटर दूर से आप आए। माँ, आप कहाँ से आए हो? हाँ, साथ में हो। अच्छा, नकद सिद्ध बनासा की बात कर रहे हैं, लोग हमें दिल्ली से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, दूर दराज से हमें लोग देख रहे हैं। आप बताइए कि यहाँ का जो चमत्कार है, यकीनन एक बड़ा चमत्कार है। बहुत बड़ा चमत्कार है और हकीकत में भी मतलब फर्क पड़ता है। जी, सांपों के लिए मतलब जिक्र कीजिए। सांपों के लिए नकद बना का बहुत बड़ा समस्या है। कहते हैं कि अगर किसी को सांप काट जाए तो वो यहाँ आए तो वो जिंदा हो जाता है, उनके नाम की जो डोरी तांती बांधते हैं तो जिंदा हो जाता है। राजस्थान की भूमि पर अनेकों चमत्कार हैं, मंदिरों के चमत्कार है, लेकिन नकद सिद्ध बनासा का एक ऐसी जगह मंदिर है जहाँ मंदिर का जिक्र पहले तो यहाँ जमाने की बात करें तो कहीं आसपास कोई भी लोग दिखाई नहीं देते थे। हम लोग कालीनाडी से आए हैं 25 किलोमीटर से, वहाँ भी नजदीक में कोई घर नहीं था। आज को थोड़ा मकान बना मंदिर के पास में, मतलब धीरे धीरे बनासा का, और बनासा का पर्चा बहुत भारी है। बहुत भारी है। आप कितनी बार आ गए? हम लोग 3 बार आ रहे हैं। देखिए, ये चमत्कार है कि लोग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से भी आते हैं। आप भी इनके साथ ही होंगे? हम सब एक साथ। कोई चमत्कार बताइए जो आपके साथ हुआ हो। चमत्कार जैसे हमारे पहले मेरे बड़े भाई है, उनके भी सांप काट दिया था, तो उनको भी इधर का मतलब जैसे फेरी बोला, प्रसाद बोला, तो हम लोग इधर आए तो उनको भी तैयार हो गए। वो जी सुनकर हैरान नहीं होना है क्योंकि यही सच है। और राजस्थान की मिट्टी में आज से नहीं, हजारों सालों से चमत्कार होते आए, लेकिन यहाँ तक सुना जाता है सांप काटने के बाद में जब डॉक्टर मना कर देते हैं और तब उनकी याद आती है, इधर आने के बाद में एकदम तैयार हो जाते हैं। जी, तो ये हमारे माता जी है, इनको भी एक बार सांप काट दिया था। दो बार देखिए, दो बार सांप काटा आपको। फिर इलाज के लिए डॉक्टर से दवा ली या नकद बनासा? नकद बनासा जी, इनका डॉक्टर है नकद सिद्ध बनासा। तो ये वो डॉक्टर हैं जो डॉक्टर आज आपको दिखाई भले ही ना दो, लेकिन वो आदर्शनीय ऐसी शक्ति हैं जो आपके साथ मौजूद रहती हैं। लोगों की भीड़ से पता चलता है कि ये ऐसे जंगल में मंदिर है जिस जंगल के आसपास कोई घर मौजूद नहीं है, कोई भी लोग मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ वो लोग आते हैं जहाँ आने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। तो इतिहास को उठाकर देखिए किस इतिहास में कितनी रचनाएं हमारे यहाँ की हुई है। और उसके साथ ही यहाँ पर जो लोग प्रसादी लेकर आते हैं, दूर दराज से आते हैं। कहाँ से आए आप? 100 किलोमीटर अभी बात करें, 100 किलोमीटर आए। तो प्रसादी क्या होती है यहाँ पर अलग से होती है? नारियल होता है और मिष्ठान होता है जी। और ये प्रसादी घर ले जाओगे? हाँ, यहाँ बांट देंगे, ले जाएंगे घर पे। लेकिन एक बात यहाँ पर और भी है, कहते हैं कि नकद सिद्ध बनासा के पिताजी आज भी वहाँ सेवा कर रहे हैं। अभी सेवा कर रहे हैं जी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कहते हैं कि नकद सिद्ध बनासा के जो पिताजी हैं वो आज भी उनकी मंदिर की सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक मंदिर की चीज आपको बता दूं, जब आप इस मंदिर में आओगे तो आपको ऐसे रास्तों को काटते हुए आना पड़ेगा कि पूरा जंगलू नुमा यहाँ पर बना हुआ होता है। और इस जंगल को पार करने के बाद में जैसलमेर से पहले ही ये मंदिर आता है। और दूसरी, हम जब राजस्थान आते हैं तो आपको
आपको ऐसे ऐसे मंदिरों के बारे में, क्योंकि यकीनन हमारा राजस्थान, भारो राजस्थान की तो बातें ही बहुत अलग हैं, लेकिन मेरा मानना होता है कि जब मैं राजस्थान जाऊं तो आपको यहां के दर्शन करवाऊं। ये मेन मंदिर है श्री श्री 1008 नकसित बनासा। नकसित बनासा की तपस्या, घोर तपस्या के बाद में बनासा ने यहां पर समाधि ली और उसके बाद जो आज तक उनका जो चमत्कार है उसका गवाह हम नहीं यहां की जनता बनती है। और एक और चीज, यहां जब लोग आते हैं तो एक बड़ी आस और उम्मीद के साथ आते हैं। देखिए मैं जब आई हूं मैं भी किसी एक चमत्कार के, या यूं कहें कि कोई चमत्कार ऐसा था जो मेरे साथ भी हुआ, और आज यकीनन थैंक यू या धन्यवाद मैं बोलने के लिए आई हूं। आने से पहले 15 साल बाद आप सोचिए, क्योंकि वो राजस्थान से यहाँ आने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाता है। दूसरा, आप थोड़ा सा वहां देखेंगे जो बुजुर्ग दादाजी बैठे हैं वो नकसित बनासा के पिताजी हैं। पिताजी की आज उम्र 100 से ज्यादा है, लेकिन आज भी पिताजी लोगों की सेवा में खड़े हैं और आज भी यहाँ पर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। और भी बहुत सारी चीजें हम बनासा के बारे में बताएंगे, लेकिन जब आज मैं यहाँ पर आई तो एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि नकसित बनासा का नाम शायद आप मेरे या मेरे लोग जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं वो सब पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि सांपों की बात कर रहे हैं। तो जब मैं आपको सांपों के बारे में बता रही हूँ तो ये वही मंदिर है जहाँ सिर्फ सांप मौजूद रहते हैं। सांप मौजूद रहना ही नहीं, यहाँ पर सांप प्रसादी करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। क्या यकीन आता है आपको? जी नहीं, यकीन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ के लोग भी बताएंगे। आप क्या आज क्या उम्मीद लेकर आए हैं? दर्शन करने थे मंदिर के, वो टाइम के कोई चमत्कार हुआ ऐसा आपके साथ? नहीं, चमत्कार तो ऐसा नहीं है कि, पर जब भी कोई सांप काटता है, अगर हम आस पास में रास्ता में कहीं भी रहते हैं तो हम एक भगवान का नाम याद करते हैं, सबसे पहले दिमाग में नकसित बनासा नाम आता है। तो नकसित बनासा तो मरवों को जिंदा कर देते हैं, तो ये एक ऐसी जड़ी बूटी। अच्छा, जड़ी बूटी में क्या देते हैं, कैसे तांती या धागा बांधते हैं? नहीं, एक श्रद्धा है यहाँ पे आने के बाद में, एक आपको यहाँ आने के बाद एक अंदर की हमारी आत्मा होती है कि जहाँ पे आके एक अच्छा लगता है। एंड यहाँ जो हम बोलते हैं कि तांती बांधना या कुछ ऐसा कुछ करते हैं तो इससे अच्छा हो जाता है सब। जी, तो देखिए श्रद्धा इतनी है, और कहते हैं जहाँ श्रद्धा है वहाँ ईश्वर है ही, लेकिन राजस्थान के लोगों में कूट कूट के भगवान के प्रति श्रद्धा भरी हुई है। उसी श्रद्धा में आज हम खड़े हैं, उसी मंदिर में हम खड़े हैं। और मैं फिर कहना चाहूंगी कि नकसित बनासा का मंदिर है जो आज बहुत ज्यादा प्रचलित है और चमत्कारों के लिए जाना जाता है, लोग बड़े इसके चमत्कार के चर्चे करते हैं। तो आपको आने में कितना टाइम लगा? अराउंड हाफ एन आवर। हाफ एन आवर, कहाँ से? जी देखिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, दिन के 2 घंटे 4 घंटे और हम जैसे 10 घंटे या सफर काटकर यहाँ पर आते हैं, केवल इसीलिए कि नकसित बनासा के चरणों में मत्था टेके और उनका आशीर्वाद लीजिए। जी बिल्कुल, दीजिए इजाजत, लेकिन आप भी इस मंदिर जरूर आइए, और जब भी आप आइए तो एक बार आकर जरूर यहाँ पर अपनी मन्नत रखिए, और कहीं पर भी हो वहां से भी एक मन्नत मांगिए। राजस्थान की भूमि से नकसित बनासा का एक ऐसा मंदिर जहाँ आपकी मन्नत पूरी होगी, जहाँ आपको चमत्कार मिलेंगे। श्रद्धा भाव और निष्ठा से आप यहाँ जरूर आइए। दीजिए मुझे इजाजत, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी।